नमस्कार दोस्तों, किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन का चटपटा नाश्ता बनाना बताऊंगी। घर के सामान से ही बहुत टेस्टी नाश्ता बनाना बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, से ज्यादा शेयर करें। बेसन का चटपटा नाश्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है मैं आपको बताती हूँ। बेसन, राई, नमक, सूजी, हरी मिर्च, दही, हरा धनिया, इनो, कड़ी पत्ता, कुछ लंबी कटी हरी मिर्च। सबसे पहले आप कोई भी एक बड़ा बाउल या पतीला ले लें, उसमें आधा कप दही डाल दें। दही को फेंट लें आप। इसमें दो कप बेसन डाल दें। कोई भी आप एक मेजरिंग के लिए कप सेट कर लें, उससे सारा मेजर करें। इसमें आधा कप सूजी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। दही, सूजी और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसमें पानी डालकर इसका मीडियम गोल बना लें। रेडी किए हुए गोल में आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें, बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें। मैंने दो हरी मिर्च ली थी, आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। मिर्च और नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें आप बारीक कटा हरा धनिया डाल दें, आधा इसमें डाल दें अभी आप, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। जब सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दें। गोल को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं, ये भी फूल कर रेडी हो चुका है। आप इसमें एक इनो का पाउच डाल दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसे इडली के कुकर में बनाऊंगी। मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। आप सांचा ले लें और इसमें तेल लगा दें। मैंने इसमें तेल लगा लिया और थोड़े थोड़े मिश्रण को आप इसमें डालते जाएं। मैंने सारे स्टैंड में भरकर रेडी कर लिया है। आप इसे कुकर में रख दें। और इसे ढक दें और 15 मिनट के लिए होने दें। इडली को बनते हुए 15 मिनट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, सारी इडली फूल चुकी है। आप इसे नाइफ या किसी डंडी की सहायता से चेक कर लें, बिल्कुल क्लीन आ रही है। गैस को बंद कर दें और इसे आप बाहर निकाल लें और 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें। इसे ठंडा होने दें। इडली भी ठंडी हो चुकी है। देखिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये निकल आती है। इसी प्रकार आप सारी को निकाल लें। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी होता है और कुछ ही मिनटों में आप इसे रेडी कर सकते हैं। घर के सामान से ही आसानी से रेडी हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि बच्चे क्या बड़े कोई भी नहीं छोड़ेंगे इसे। इसी प्रकार आप सारी निकाल लें। मैंने सारी इडलियों को निकाल लिया है। आप ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ। आप इन्हें कट कर लें। इसी प्रकार आप सारी इडलियों को कट कर लें। मैंने सारी इडलियों को कट कर लिया है। कढ़ाई लें, उसे गैस पे रखें। इसमें 2 चम्मच तेल डाल दें। इसे गरम होने दें। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें आधा चम्मच राई डाल दें। 2 से 3 लंबी कटी हरी मिर्च डाल दें।
और इसे कुछ सेकंड चलाएं। कुछ सेकंड चलाने के बाद इसमें आप 8 से 10 क्रियापात के पत्ते डाल दें। कटी हुई इडलियों को इसमें डाल दें। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी होता है, आप एक बार जरूर बनाएं और इसे भी अच्छे से मिक्स करें इसके साथ। जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में ले लिया है, आप इसे चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सॉस के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी होता है, आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।